नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए ट्विटर पर लिखा कि आज से एक साल पहले हाथरस में बलात्कार की भयावह घटना घटी थी और यूपी सरकार ने परिवार को न्याय और सुरक्षा देने के बजाय धमकियां दी थी और उनसे बेटी के सम्मान, अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। एक और ट्वीट में प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि सरकार के अधिकारियों और बीजेपी के नेताओं ने बयान देकर बलात्कार नहीं होने जैसी बात कही थी और पूरी सरकारी मशीनरी की ऊर्जा पीड़िता का चरित्र हनन करने में खर्च की गई थी। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर इतना खराब रुख रखने वाली सरकार के मुखिया से आप संवेदनशीलता की आस रख भी कैसे सकते हैं। वैसे भी यूपी के मुख्यमंत्री महिला विरोधी सोच के अगुआ हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दलों का एक दूसरे पर वार तेज होता जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर उनके अब्बा जान वाले बयान को लेकर निशाना साधा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।